सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Redmi का Note 8 Pro। दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको इसके खास फीचर बताऊँगा। वैसे दोस्तों आपने इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी टाइम पहले देख ली होगी, बट दोस्तों इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो इसकी प्राइस। दोस्तों मैंने इसको 9,500 रुपये खरीदा है, जो दोस्तों सेकंड फोन है, बट दोस्तों 9,500 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है। और दोस्तों इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है इस बॉक्स में हमें, फ़ोन की कंडीशन कैसी है और दोस्तों इसका जो वारंटी वो कितना बचा हुआ है, दोस्तों सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों इसका जो कलर वगैरह सब मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस Redmi Note 8 Pro का बॉक्स खोल कर दिखाता हूँ और आपको इसकी जानकारी बताता हूँ कि हमें सेकेंड हैंड फोन में क्या कुछ देखने मिलता है और क्या हमें सेकेंड हैंड फोन कहने चाहिए या फिर नहीं कहने चाहिए। दोस्तों ये मेरे पास Redmi Note 8 Pro का बॉक्स जिसकी दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था, और दोस्तों ये मैंने अपनी मार्केट से खरीदा है 9,500 रुपये का। दोस्तों ये अभी 11 महीने पुराना है, अभी इसकी एक महीने की वारंटी बाकी है। और दोस्तों मेरे पास इसका इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, 6GB 128GB वाला। दोस्तों इसकी की हाईलाइट की बात करें तो काफ़ी पुराना फोन है वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका दोस्तों मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, और दोस्तों फ्रंट पे आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, 4500 mAh की। दोस्तों कुछ ही काफ़ी अच्छे हाईलाइट हैं इसकी, और इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो MediaTek का Helio G90 है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि हमें पुराने फ़ोन में दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है और फ़ोन की क्वालिटी दोस्तों कैसी है। तो इसका डब्बा है और यह दोस्तों फ़ोन, जिसमें अभी आपको बाद में दिखाऊँगा। तो दोस्तों जी इसकी डाटा केबल जो दोस्तों मुझे साथ मिली है, जो दोस्तों एकदम पैक की हुई है, क्योंकि जिस भी बंदे का ये फ़ोन था उसने इसको यूज नहीं किया। और दोस्तों जी इसका चार्जर एडाप्टर, जो कि दोस्तों 18 वाट का एक फास्ट चार्जर है। तो दोस्तों 4500 mAh की बैटरी को जो काफ़ी जल्दी चार्ज कर देता है तकरीबन, फिर भी दोस्तों इससे 1 घंटे से ऊपर लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। दोस्तों जाइए इसके अंदर, मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये वो फ़ोन जिसके ऊपर दोस्तों अभी ये देखिए इस पर दोस्तों टेम्पर ग्लास लगा हुआ है, ये देखिए इस पर ग्लास लगा हुआ है और एक कवर लगा हुआ है। तो इसी कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए इसकी कंडीशन, ये 11 महीने पुराना फ़ोन है और काफ़ी अच्छी कंडीशन का है दोस्तों ये, और अभी भी दोस्तों इसकी कोई भी इसकी सर्विस नहीं हुई है, यानी दोस्तों ये एक भी बार कंपनी सर्विस होने के लिए नहीं गया है, एक ही बार दोस्तों नहीं खुलाया, वारंटी भी इसकी 1 महीने की बची हुई है। तो दोस्तों 9,500 रुपये मैंने इसको परचेस किया है अपनी मार्केट से, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसमें आप 2 SIM और SD कार्ड ला सकते हो यहाँ इधर, और दोस्तों इसमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा है, MediaTek का Helio G90, जिसमें दोस्तों आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो और कितनी भी हैवी मल्टीटास्किंग करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका कैमरे का जो सेटअप दोस्तों वो काफ़ी अच्छा दिया गया है इसका, इसमें देखिए ये 3 कैमरे हैं दोस्तों, और जो 14 कैमरा साइड में दिया गया है, ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जिस पर दोस्तों थोड़ा स्क्रैच आ चुका है, बट दोस्तों 11 महीने पुराना फोन है तो थोड़ा बहुत स्क्रैच तो आ जाते हैं। और इसके बॉडी में दोस्तों हल्के बुलके माइनर माने से स्क्रैच हल्के बुलके, जो दोस्तों अभी इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं बट मुझे सो रहे हैं। दोस्तों ग्लास बॉडी दी गई है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और एनडी भी है, 6.5 इंच की इसमें डिस्प्ले है जो कि दोस्तों एक हाथ में आसानी से ग्रिप हो जाती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है 9,500 रुपये में। अगर आपको इस तरीके का कोई फ़ोन चाहिए तो आप अपनी मार्केट में आकर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आजकल काफ़ी ऐसी मार्केट हैं जहाँ पर पुराने फ़ोन सेल होते हैं और लोग पुराने फ़ोन खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो अगर आपके बजट 9 से 10,000 रुपये है तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले अपनी मार्केट में आकर ट्राई करो, क्योंकि दोस्तों 10,000 रुपये में अगर आप कोई फ़ोन खरीदोगे तो उसमें जो फीचर आते हैं नए के हिसाब से दोस्तों वो उतने ही आएंगे 10,000 रुपये के बजट में, बट अगर आप पुराना फ़ोन खरीदते हो तो दोस्तों आपको 10,000 रुपये में 15-16,000 रुपये वाला फ़ीचर वाला फ़ोन मिल जाएगा, सेकंड हैंड होगा बट आपको फ़ीचर अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वालिटी होती है पुराने फ़ोनों की, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसमें एक दिक्कत है दोस्तों जो वैसे सोनी होती है। तो दोस्तों 9,500 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दोस्तों कम कीमत में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने मिले,
तो आप अपनी मार्केट में आके पुराना फ़ोन खरीद सकते हो। बट दोस्तों याद रहे, आपको उसका बिल लेना है और साथ में उसकी वारंटी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद सकते हो। अगर आप एक ऐसा फ़ोन ले रहे हो जो एक नया है एकदम 10,000 रुपये में, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी जो फ़ोन के अंदर जो फीचर होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन हमें मार्केट में मिल जाते हैं, बट उसकी डिस्प्ले होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर हमें कोई ना कोई कमी मिलती रहती है। बट दोस्तों अगर आप एक सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हो 10,000 रुपये में, तो आपको 1500 से 16,000 रुपये वाली फ़ोन के फीचर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसकी जो अगर कीमत की बात करें तो इस फ़ोन की कीमत वैसे दोस्तों 1500 से 16,000 रुपये है, बस सेकेंड हैंड फ़ोन के हिसाब से 9,500 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।